Most welcome to our channel Electric Mantra. Today we will discuss solar cell. Solar cell एक ऐसा device है, ऐसा युक्ति है जो हमेशा solar energy या light energy को convert करके electrical energy में देता है, या फिर हम बोल सकते हैं सूर्य ऊर्जा को वो हमेशा विद्युत ऊर्जा में बदल कर देता है। यहाँ पे मैंने आपको एक block diagram दिखाया है जो आपके घरों के ऊपर solar cell लगे रहते हैं। उस solar cell को लगाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का कनेक्शन करना पड़ता है वो चीज़ यहाँ पर मैंने शो करी है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा सोलर सेल। तो यहाँ पर सन है, ये सन जो है सन की रेडिएशन इस सोलर सेल पे पड़ती है, ये आपका सोलर सेल है। यही सोलर सेल घरों के ऊपर, छतों के ऊपर, टेरेस के ऊपर लगाया जाता है। जब सोलर की रेडिएशन इस सोलर सेल पे पड़ती है तो सोलर सेल का काम होता है इस सारी की सारी रेडिएशन को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देना। तो सोलर रेडिएशन जैसी होंगी वैसा इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। अगर आपकी सोलर की रेडिएशन ज़्यादा इस सोलर सेल पे पड़ रही तो ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, और अगर कम रेडिएशन पड़ रही होंगी सोलर सेल पे तो आपको कम इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। इसके आगे हम इस सोलर सेल को सोलर ट्रैकिंग सिस्टम से अटैच कर देते हैं। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ या किसी रास्ते को फॉलो करना, उसी के आगे पीछे पीछे चलना। तो क्या है, आपको पता है कि सन जो है राइज करता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट में। तो आपकी मॉर्निंग के टाइम सोलर रेडिएशन बहुत कम होती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, रात में तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। तो क्या है, जिसकी वजह से आपके सोलर सेल का जो आउटपुट होता है वो चेंज होता रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम की को दूर करने के लिए हम सोलर ट्रैकिंग सिस्टम लगाते हैं। ये सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या रहता है, सन को फॉलो करता है। सन जहां जहां जाएगा वैसे वैसे आपका ये सोलर सेल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और सन की ही तरफ अपने आप को मूव कर देगा। फिर इस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये सोलर सेल का काम क्या है, सोलर एनर्जी को क्या कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, इसे हम एक बैटरी में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं अगर आप चाहते हैं। और एक चीज़ और चीज़ है कि ये जो सोलर सेल है वो हमेशा आपको डीसी ही आउटपुट देता है, एसी आउटपुट नहीं देगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत कि सोलर सेल एसी आउटपुट देता है या डीसी आउटपुट, तो आपका आंसर क्या होगा, डीसी आउटपुट। तो क्या है, ये सोलर सेल जो है आपको डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। ये सारी की सारी डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने बैटरी में जाकर स्टोर कर दी। अगर आपको कोई डीसी अप्लायंसेस आपके घरों में, जैसे डीसी वाले अप्लायंसेस हैं, तो आप डायरेक्ट इस बैटरी को उससे कनेक्ट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया डीसी मोटर, अगर आपके घरों में है तो आप डीसी मोटर को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं, या लैपटॉप या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो भी हैं बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घरों में एसी सप्लाई आते हैं और मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट हमारे जो घरों में रहते इस्तेमाल होते हैं वो एसी से चलते हैं। तो यहाँ पे बैटरी में तो हमें डीसी मिल रही है, तो इसको डीसी में हमें कैसे भी करके एसी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर लगाया। इस इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इन्वर्टर क्या कर रहा है, आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से आपको एसी सप्लाई मिलने लगी। अब ये एसी सप्लाई आप घरों में लगा सकते हैं, आप फैन चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, टीवी वगैरह जो भी आपको चलाना रहता है आप उससे ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे मैंने देखिए एक विजुअलाइजेशन पिक्चर दिया है। ये सन है, सन की रेडिएशन आपकी इस सोलर पैनल पे पड़ी या सोलर सेल पे पड़ी। इस सोलर सेल में क्या कन्वर्जन हुआ, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके चार्ज कंट्रोलर को दिया। चार्ज कंट्रोलर आपका सोलर ट्रैकिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। फिर ये बैटरी में गया, बैटरी आपका डीसी आउटपुट दे रही है। अगर आपके पास डीसी वाली चीज़ें हैं तो आप डीसी को डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और आपकी वो चीज़ें ऑपरेट होने लगेगी। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई एसी वाली अप्लायंसेस है घर में, तो उसको चलाने के लिए आपको इस सबसे पहले बैटरी को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इन्वर्टर से। वो इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और वो एसी में जब कन्वर्ट हो जाती है तो आप एसी लोड को कनेक्ट कर देते हैं। एसी लोड मतलब, लोड का मतलब कि जो भी आप घरों में या इंडस्ट्रीज वगैरह में आपके अप्लायंसेस होते हैं आप उन्हें लोड्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये है, अब हम वन बाय वन इनके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो सोलर सेल को हम फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फोटोवोल्टेक बोला जाए या सोलर सेल, तो दोनों का नाम सेम ही है। सेल का काम क्या होता है, सोलर सेल का काम क्या होता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। दूसरा पॉइंट याद करना है कि सोलर सेल हमेशा डीसी पावर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अगेन बता रही हूँ कि पूछा जाता है कि सोलर सेल आपको डीसी सप्लाई देता है एसी, तो आपका आंसर क्या होगा, डीसी सप्लाई हमेशा देता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सोलर सेल सेमी कंडक्टर डिवाइसेस बना रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं अर्धचालक डिवाइस से बना रहता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन से बना होता है, SI सिलिकॉन से बना रहता है। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ये जो है फोटोवोल्टेक इफेक्ट पे वर्क करता है, इसीलिए इसको हम फोटोवोल्टेक सेल भी बोलते हैं। ये आपका इतने पॉइंट्स आपको सोलर सेल में याद रखना है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आती है। कंस्ट्रक्शन अगर आपको मान लीजिए सोलर सेल बनाना है, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर की जरूरत होगी। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि आपके जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक कंडक्टर होता है जिसे हम चालक बोलते हैं, एक सेमीकंडक्टर होता है जिसे हम अर्धचालक बोलते हैं, और एक इंसुलेटर होता है जिसे हम कुचालक बोलते हैं। तो जो ये सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। उनमें एक एन टाइप आता है और एक पी टाइप आता है। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, और पी का मतलब होता है पॉजिटिव वाली चीजों से। ठीक है, तो आपको अगर सेल बनाना है, तो सेल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एक एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, दूसरा आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए, फिर पीएन जंक्शन चाहिए। पीएन जंक्शन क्या होता है, जब आप मान लीजिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब दो कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स को मिलाते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक जंक्शन तो बनेगा ना, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होंगे, उसी को हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। फोर्थ हमें क्या चाहिए, मेटल कॉन्टैक्ट चाहिए, और फिफ्थ हमें चाहिए एंटी रिफ्लेक्सिंग कोटिंग। इतनी चीज़ों की जरूरत होती है एक सोलर सेल बनाने के लिए। आगे आते हैं हम लोग। ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये देखिए ऊपर जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे मतलब जो भी हमने मटेरियल यूज करा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक बड़ी सी शीट ली है और उसे इस तरह से रख दिया। नीचे जो ग्रीन कलर का शो हो रहा है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब निगेटिव। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब ये दोनों सेमीकंडक्टर को हम आपस में मिलाते हैं, तो इनके बीच में एक लेयर बनती है, जो लेयर का नाम होता है जंक्शन, पीएन जंक्शन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पीएन जंक्शन उसे बोलते हैं। फिर इसके ऊपर याद रखिएगा, जो एन टाइप लेयर होती है, ये जो एन टाइप ब्लू कलर की दिख रही है, ये हमेशा हम पतली लेयर रखते हैं। आगे देखेंगे वो पतली लेयर क्यों रख रहे हैं, और पी टाइप की हमेशा मोटी लेयर रखते हैं, मोटी चीजों से बनाते हैं पी टाइप को। फिर उसके ऊपर देखिए एक डार्क ब्लू कलर का हमने मेटल के कॉन्टेक्ट्स बनाए, ये एक ऊपर एक मेटल कॉन्टेक्ट्स लगा देते, एक नीचे मेटल कॉन्टेक्ट लगा देते हैं। ये आपका टर्मिनल की तरह काम करता है। ऊपर एन टाइप है तो एन टाइप क्या बन जाएगा, निगेटिव, और नीचे पी टाइप है तो नीचे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर देखिए आपने एक इस तरह का जाल जैसा बिछाया है, इसको हम एंटी रिफ्लेक्सिंग कोटिंग बोलते हैं। एंटी रिफ्लेक्सिंग कोटिंग का मतलब होता है कि आपकी जब किरणें, सूरज की किरणें इस पीएन जंक्शन पर गिरती है या फिर सोलर सेल पे गिरती हैं, तो मोस्ट ऑफ दी क्या होती हैं, जितनी भी रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए हम इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, एक एंटी रिफ्लेक्सिंग कोटिंग, जो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आपको सोलर सेल का एक रियल पिक्चर दिखाई है। सोलर सेल इस तरह का बना रहता है, आपको ये सोलर सेल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ये जो बना है कंस्ट्रक्शन, वो इसी तरह से बना होगा कि आप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया होगा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनको मिलाया होगा, उसके ऊपर रिफ्लेक्सिंग कोटिंग करी होगी, और फिर पूरा बन के जो तैयार होता है वो इस तरह का दिखता है हमें रियल लाइफ में। फिर आपने घरों के ऊपर देखा होगा इस तरह से लगे रहते, तो ये जो एक छोटा सा स्क्वायर शेप में दिख रहा है, ये एक सोलर सेल है।
ये आपका जो स्क्वायर शेप में दिख रहा है सोलर सेल है। अगर हम इससे कोई भी आउटपुट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे रेडिएशन डाल रहे हैं, सोलर की सूरज की किरणें इस पे जा रही हैं, तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देगा। लेकिन ये इतना छोटा होता है कि हमें जो एनर्जी निकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है आउटपुट में, वो बहुत ही कम मिल रही है, मान लीजिए 0.5 वोल्ट का मिल रहा है। लेकिन हमारे घर में जो अप्लाइंसेस होते हैं, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह के सोलर सेल, छोटे छोटे सोलर सेल को आपस में मिलाकर एक बड़ा सा सेल बना देते हैं, जो कि हम मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए आपका एक, ये देखिए ये आपको एक छोटे छोटे से बॉक्स है, ये एक एक सोलर सेल है, 1 2 3 4, इन छोटे छोटे सोलर सेल को मिला के हमने एक बड़ा सा सोलर मॉड्यूल बना दिया, इसका नाम हम सोलर मॉड्यूल देते हैं। अगर सोलर सेल पूछे तो ये छोटे छोटे बॉक्स में स्क्वायर शेप में जो दिख रहा है, ये आपका सोलर सेल है। इस बहुत सारे सोलर सेल को मिलाकर हमने सोलर मॉड्यूल बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इतना बड़ा सोलर मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा आपको पावर देगा। फिर आगे जाते हैं वर्किंग की। यहाँ पे अगेन मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, ऊपर से डायग्राम शो किया है। ये देखिए यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बहुत ही पतली लेयर का बना रहता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत ही मोटी लेयर का बना रहता है। जब ये दोनों सेमीकंडक्टर आपस में जोड़े जाते हैं, तो एक देखिए रेड कलर का मैंने दिखाया है, वो पीएन जंक्शन बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर देखिए ब्लैक कलर की कोटिंग करी, वो ब्लैक कलर की कोटिंग क्या शो कर रही है, वो कॉन्टैक्ट्स है जो आपके टर्मिनल्स बना रहे हो। फिर उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का कोटिंग करी, ग्रीन कलर क्या है, एंटी रिफ्लेक्सिंग कोटिंग है, जो कि सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। अब चलिए वर्किंग की बात आती है। वर्किंग देखते हैं कि सबसे पहले क्या रहता है कि सोलर की रेडिएशन जो रहती है, ये आपकी जो सोलर है, सोलर रेडिएशन जो रहती है इस सोलर सेल पे पड़ी। ठीक है, अगर हम एन टाइप को मोटा बना देंगे, थिक बना देंगे लेयर, तो क्या है, बहुत ही धीरे धीरे आपकी रेडिएशन जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमें तो ऐसा करना नहीं, हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए। तो एन टाइप लेयर की हम पतली बना दें, ताकि ईजिली बहुत सारी सोलर रेडिएशन जो है यहाँ पी एन जंक्शन पर आ जाए। और हमेशा हम पी एन जंक्शन पर ही लाइट को फोकस करवाते हैं, क्योंकि पी एन जंक्शन के ही थ्रू हमारी पूरा वर्किंग चलती है। तो सारी की सारी लाइट जो रहती है इस एन टाइप पे डालती है। फिर एन टाइप से सारे के सारे जितने भी एन टाइप पे सोलर रेडिएशन आए, अब ये लाइट जो रहती है एन टाइप से होके पी एन जंक्शन पर चली जाती है। पी एन जंक्शन पे जैसे ही पहुंचती है लाइट, तो लाइट जो है अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है इस पी एन जंक्शन को दे देती है। पी एन जंक्शन को जैसे ही मिलते हैं, वहाँ पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत पी टाइप में चले जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा कहाँ चले गए, पी टाइप में। और जैसे ही आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो एक करंट फ्लो होने लगती है, और आपको आउटपुट में क्या मिलने लगता है, करंट। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ अटैच कर दें, यहाँ पे बल्ब अटैच कर दें, तो आपको तुरंत बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। तो अगेन वर्किंग एक बार फिर सुन लीजिए कि जब ये आपका पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है, जब एन टाइप के ऊपर सोलर की रेडिएशन जाती है, तो एन टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पी टाइप में जाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से आपका एक करंट फ्लो होने लगता है, और आपका बल्ब जो है ग्लो करने लगता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे आती है सोलर पैनल। सोलर पैनल का में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट क्या है, सोलर पैनल का भी काम क्या होता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। दूसरा काम क्या है, सोलर पैनल्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर ये जो छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं, उन्हें हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके बहुत बड़ा एक सोलर पैनल बना लेते हैं, ताकि हमें लार्ज अमाउंट में आउटपुट मिल सके। और तीसरा पॉइंट क्या याद करना है कि एक सोलर सेल बहुत ही लो आउटपुट देता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक सोलर सेल से आउटपुट मेजर करेंगे, तो बहुत ही कम 0.5 0.6 वोल्ट का मिलता है, जो कि बहुत ही कम होता है कोई भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए। अब हमें चाहिए ज़्यादा आउटपुट, तो ज़्यादा आउटपुट के लिए हम ज़्यादा सोलर सेल को मिला के रखेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमें ज़्यादा आउटपुट मिलने लगे। इसे हम सोलर पैनल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन आपको डायग्राम से समझाना चाहा है। ये देखिए एक सोलर सेल है, छोटा सा, ये छोटा सा सोलर सेल है।
आपका ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होगा लेकिन बहुत ही कम दे रहा होगा, लेकिन हमने इस सोलर सेल को देखी सीरीज, पैरेलल सीरीज, यहाँ पे जो कनेक्शन होगा सीरीज, अगर इस वाले रो की बात करें ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड, तो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बहुत सारे सोलर सेल को, इस तरह की शीट में हम पूरा बना देते हैं, तो ऐसी शीट को हम सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था कि सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और सोलर पैनल में क्या डिफरेंस है, तो सोलर सेल एक छोटा सा डिवाइस होता है जो सिर्फ सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। सोलर मॉड्यूल क्या रहता है, जब आप बहुत सारे सोलर सेल को आपस में सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो आपको लार्ज अमाउंट में आउटपुट मिलता है, जिसे हम सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। फिर आता है सोलर पैनल। ये आपने घरों के ऊपर देखा होगा कि आपके बहुत सारी शीट्स, इस तरह की शीट्स को अटैच करके घरों के ऊपर लगा देते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके, ठीक है, ये चीज आपकी सोलर पैनल कहलाती है। नेक्स्ट है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, मुझे बताना था आपको विजुअलाइजेशन में, तो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का मैंने यहाँ डायग्राम लिया, जैसे कि ये आपको सोलर सेल है आपके छत के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे ईस्ट से पहले सूरज निकला, मॉर्निंग का टाइम है, ईस्ट से आपका सूरज निकल रहा है, ये आपका ईस्ट से सूरज निकला, तो आपका सोलर पैनल मूव कहाँ कर जाएगा, इस तरह से मूव हो जाएगा, तो सारी की सारी रेडिएशन उसकी यहाँ पर आ रही होंगी। फिर जब 12 बजेगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो सोलर पैनल अपने आप को एडजस्ट करके सीधा कर लेगा। फिर अगेन जब सन जो है वेस्ट में जा रहा होगा तो आपका सोलर पैनल अपने आप को एडजस्ट करके इस डायरेक्शन में कर लेगा ताकि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इस पर गिरे, क्योंकि आपका सोलर सेल जो रहता है पूरा का पूरा सन पर ही डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सन की रेडिएशन पड़ेंगी उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।